I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the से पैकर ब्लॉग्स में। तो दोस्तों हम लोग आए थे मेरे दीदी के घर शंकरगढ़ बेलकोना में। तो वहाँ से धनगरी वाटरफॉल नज़दीक में पड़ता है, लगभग 17 किलोमीटर के आसपास। तो हम लोग आए हैं अभी धनगरी वाटरफॉल घूमने के लिए, मैं और मेरे पत्नी और बेटा, मेरा बेटा और मेरे चाचा चाची लोग भी आए थे, तो भी साथ में आए हैं सभी लोग। देख सकते हैं मेरे चाचा चाची लोग और मेरी पत्नी, और हम लोग बाइक को ले आए हैं। और इधर पहाड़ देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है। और इधर है गाइस झरना, देख सकते हैं बहुत बड़ा ऊंचा है। कुछ खाओ बनी ले आना, चिप्स कहाँ मिक्सचर उपचर, देख सकते हैं दोस्तों बहुत। बहुत बड़ा झरना है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर साइड देखने के लिए, इधर से रास्ता बनाया है। तो अभी मैं पीछे हूँ और बाकी लोग चले गए हैं, ऊपर जाने का रास्ता है। तो चलिए देखते हैं, देख सकते हैं बहुत खतरनाक रास्ता है। साइड
नगर घर भी है रास्ता जगह पहुंचा दी। धूप है ना तो कर ले। तो गाइस अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, इधर देख सकते हैं इसमें से आए हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक था, इसमें से नीचे उतरे और इधर देख सकते हैं दोस्तों मेरे हम लोग सभी को यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पास। और यहाँ से झरना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है और जो सामने देख सकते हैं वहाँ भी जाने के लिए रास्ता है उस पार से। इधर देख सकते हैं झरना रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, लकड़ी है वहाँ से चढ़ते हैं ऊपर, वहाँ से यहाँ जाने के लिए है रास्ता, लेकिन हम लोग अभी नहीं जाएंगे। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पर पानी, इधर देख सकते हैं आगे बहुत गहराई में है। कैसा लग रहा है बेटा? हाँ ये तो परेशान कर रहे थे, चल जैकेट ला निकाल देंगे। धनगरी वाटरफॉल जसपुर बहुत ऊंचा है दोस्तों, कम से कम 100 फीट से भी ऊंचा होगा झरना। और इधर केला भी है दोस्तों, इधर देख सकते हैं जंगल वाला केला। तो गाइस अभी यहां से हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड, देख सकते हैं लोग उतर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ से झरना नहीं दिखता है धूप की वजह से, धूप जस्ट सूर्य जस्ट ऊपर है झरना के, तो फोकस ही नहीं कर पाता है कैमरा, बहुत चमकता है। देख सकते हैं यहाँ से पूरा धूप की वजह से थोड़ा थोड़ा बस दिख रहा है, अगर धूप वहाँ नहीं रहता सूर्य तो अच्छा से दिखाई देता। तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे, इधर देख सकते हैं जाने का रास्ता भी बहुत पटान रास्ता है। हम लोग आए थे इसमें से और अभी जा रहे हैं इसमें से, इधर देख सकते हैं, तो संभल के जाना पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया से ये जगह फीस ले नहीं, इस जगह दे हाथ लो, दे हाथ पे हाथ पूछो हटे जाओ। अच्छा मुखे उतरे दे, मुखे उतरे दे, पानी में जाए तभी नहीं बच्चा, तो चल ना मैं उतार उतर ले आराम से।
हम लोग नीचे उतर चुके हैं दोस्तों और जा रहे हैं अभी उधर। तो नीचे से नज़ारा देख सकते हैं यहाँ का, नदी का। यहाँ बहुत गहरा होगा पानी और झरना उधर। तो हम लोग चलते हैं अब उधर, देख लिए सब पूरा हो गया झरना। मैं पहले भी यहाँ पर आया था दोस्तों, यहाँ मेरे को सेकेंड बार है यहाँ आया हुआ। तो आते टाइम रास्ता भी हम लोग भूल गए थे, भूलते भूलते आए हैं दो जगह। पहली बार आया था तो हम लोग मैप के द्वारा आए थे, तो पिछले बार नहीं भूले थे, मैप से देखते हुए आए थे। और अभी थोड़ा रास्ता भूल गए थे। यहाँ का पानी बहुत ठंडा है दोस्तों। और इधर झंडा गाड़े हुए हैं देख सकते हैं। और मेरी पत्नी फ़ोटो खिंचाने के लिए हो रही है, तो चलिए फ़ोटो खींच लेता हूँ उसका। इधर से व्यू अच्छा आ रहा है, इधर से फ़ोटो खींचने में भी। और इधर तो सूर्य चमक जा रहा है देख सकते हैं, तो इधर से आ नहीं पाएगा फ़ोटो अच्छा। कर रहे थे और अभी मछली फंसा रहा है, तो जा रहा हूँ मैं वहाँ पे देखने के लिए। महुआ था देख के, तो हाँ एक भैया मछली फंसा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं भी दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मछली फंसाए हैं। डांग खेल रहे हैं बंसी से। काका मछली पड़े, काका मछली पड़े, कितना कह रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, केकड़ा चल रहा है। हाँ कितना बड़ा बड़ा फसल, एक किलो दो किलो। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से आगे जा रहे हैं और हम लोग को आज घर भी निकलना है, तो हम लोग यहाँ से जल्दी जाएंगे घर। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अब। भाई जी
सन 2022 हम लोग आए थे उस टाइम ये वाला नहीं बना था दोस्तों, यहाँ खा ले बैठे यहाँ रहने के लिए रुकने के लिए ये नहीं बना था। अभी हम लोग 2021 में आए थे और 2022 में बना है ये वाला। और ये भी अपनी देख सकते हैं, बहुत खुशी महसूस कर रही है। इधर मेरा बेटा को देख सकते हैं कहाँ जा रहा है अकेला। और यहाँ पे शिवलिंग भी बनाया है दोस्तों, चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। इधर देख सकते हैं शिवलिंग बनाया है, यहाँ पूजा भी करते हैं, देख सकते हैं फूल है और दिया भी जलाते हैं। ये देख सकते हैं और हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा बेटा को देख सकते बहुत मस्ती कर रहा है अकेला। जसपुर जिला, हाँ चलो घर। सन 2022 झाड़ू लगाएगा, हो गया चल इतना ही सेवा कर। चलो और यहाँ पे खजूरा का पौधा भी है दोस्तों, देख सकते हैं फूल खिला हुआ है और फल भी लगा है। और वहाँ पे देख सकते हैं नदी में मछली फंसाने के लिए बनाए हैं पहटा जिसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए नहीं, सिर्फ घूमने के लिए आए थे। अपने गाड़ी में बैठ गए हैं, देख सकते हैं हम लोग का गाड़ी बैठे हैं। हाथ मोड़ रास्ता बहुत ख़राब है दोस्तों, हम लोग आराम से आए थे और अभी आराम से ही जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से निकलने के बाद दिखाते हैं आगे का रास्ता कैसा है। हटा बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इधर बहुत ठंडा है दोस्तों हम लोग के साइड से, इधर जंगल एरिया है और पानी भी है तो इधर ज़्यादा ठंडा लगता है। हम लोग के साइड थोड़ा कम है ठंडा। उतर के जाएंगे इन लोग, देख सकते हैं यहाँ पहले यहाँ से गाड़ी पार नहीं होता था, पर अब अभी पानी भी कम हो गया है और इसको बनाया है रास्ता टाइप से, देख सकते हैं पत्थर को डाल के तो गाड़ी भी पार हो जाता है, चक्का भी पार होता है, इधर से चढ़ता है। हम लोग निकल गए हैं, देख सकते हैं हम लोग का गाड़ी 13 की स्पीड में चल रहा है।
रास्ता पूरा कच्चा है दोस्तों, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, उसके बाद पक्की सड़क है डामरी वाला। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों जंगल के साइड से सुंदर है, और एक ही घर है यहाँ पास दूर दूर तक।